अवेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू आई एम निरुपमा आप सबको नवरात्रि इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ इंडिया के डिफरेंट क्षेत्रों में इस त्यौहार को हम डिफरेंट तरीके से मनाते हैं लेकिन हमारा मकसद एक ही है अपनी उस डिवाइन फैमिन एन कॉडस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने का जो सुप्रीम है जो पावरफुल है जो प्योर पोटेंशल है और जो क्रिएटर है कुछ लोग उनके लिए ये ऐसा समय है जब हम अपने रिलीजियस रिचुअल्स के द्वारा अपने गॉडे से कनेक्ट करते हैं फास्टिंग करते हैं डांसिंग करते हैं यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो वेजिटेरियनिज्म, दे गो इन नो अल्कोहल जोन जो हिंदुइज्म है उसमें जो मेजर फेस्टिवल्स हैं वी सेलिब्रेट टू पे आर रेस्पेक्ट आर ग्रैटिट्यूड एंड आर ऑनर टू डिवाइन ये जो नौ दिन का त्यौहार है ये दसवें दिन हम विजयदशमी जिस दिन दशहरा मनाते हैं उस दिन खत्म होता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दो शरद नवरात्रि एंड दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेन डेज फेस्टिवल बिगिन एज दुर्गा पूजा डिटेड टू द विक्ट्री ऑफ कॉटस दुर्गा जो नाइन डेज नाइन नवरात्रि नव मीन्स नाइन रात्रि मीन्स नाइट्स तो जो ये नाइन नाइट्स हैं दे आर डेडिकेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिवाइन फैमिलन एस्पेक्ट और शक्ति कई जगह पहले तीन दिन हम दुर्गा कॉटेस दुर्गा को डिवोट करते हैं फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स डे हम गॉडेस लक्ष्मी को डिवोट करते हैं और सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ डे हम गॉडेस सरस्वती को डिवोट करते हैं रोज हम एक गॉडेस को डिफरेंट ऑफरिंग्स देते हैं एक बहुत ही पॉपुलर रिचुअल uh, है जो हम uh, कन्या पूजा करते हैं एट्थ या नाइन्थ डे जो किया जाता है इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ दुर्गा विक्ट्री ओवर महिषासुर गुड ओवर इविल ड्रामा ओवर रावणा बहुत जगह रामलीला का प्रदर्शन किया जाता है सो इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी यू नो उत्सव टाइम जब हम बहुत जो हमारा सीजन है वो भी चेंज हो रहा होता है फ्रॉम समर वी आर एंट्रिंग इनटू विंटर दैट इज आल्सो वेरी वेरी प्लेजेंट चारों तरफ बहुत अच्छी उमंग शक्ति एक तरह से फील होता है कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है अ न्यू लाइफ इज बिगनिंग इज द टाइम टू एक्सपीरियंस डीप रेस्ट ये जो भी त्योहार हमारी लाइफ में आते हैं ये एक संदेश लेकर आते हैं कि ये टाइम है जब आप अपने जो भी बाहर के कार्यक्रम हैं उनको थोड़े दिन के लिए स्थगित करें और अपने साथ कनेक्ट हों अपने इनर बींग के साथ कनेक्ट हों अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स जो हैं उनके साथ कनेक्ट हों एंड एक्सपीरियंस वेयर यू स्टैंड प्रेयर्स हैं चैंटिंग है, मेडिटेशंस हैं इट शुड बी यूज टू कनेक्ट टू आर सोल टू आर डिवाइन सेल्फ इंसाइडर्स क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाएंगे सो गेटिंग टू नो योर एंड कनेक्टिंग टू योर सोल इट विल इवोक द पॉजिटिव क्वालिटीज इन साइड यू इट विल शो यू वॉट शेडोज एंड डीमेंट आर इन साइड यू टू गो जो देवी शक्ति हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं शी रिप्रेजेंट्स द कॉस्मिक एनर्जी द रियल पावर द प्योर पोटेंशियल हम जो भी हैं जो भी हम इस मदर अर्थ पर आए हैं जो हमारा सबसे बड़ा लर्निंग स्कूल है हमारी सोल का हमारी सोल के लिए और हम यहाँ जिन भी चीज़ों का उपयोग करते हैं जिस घर में हम रहते हैं जो हम खाना खाते हैं जो हम वस्त्र पहनते हैं जो हम ऑर्नामेंट्स फ्रूट्स फूड ग्रेन्स वट एवर वी यूज इन दीज फोर नाइन नाइट्स वी ऑफर टू आर गॉडेस और हम हमारी क्या भावना होती है दैट आई एम ऑफरिंग यू वट एवर यू हैव गिफ्टेड मी सो वी आर पेइंग आर ग्रेटिट्यूड आर डिपेस्ट ऑनर टू आर गॉडेस जो एक एक्सप्रेशन है एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस का ये नौ दिन हम इसलिए भी अच्छा फील करते हैं क्योंकि हम अपनी उस पावर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं जो हमें हमारी गॉडेस ऑफर करती हैं आज का दिन पहला नवरात्रा हम माँ शैल पुत्री के नाम रखते हैं माँ शैल शैल पुत्र शेल मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट द पीक ऑफ कॉन्शियसनेस और सबसे अच्छा तरीका आज के दिन इस ए, एस्पेक्ट ऑफ गॉडेस के साथ कनेक्ट करने का है कि हम अपनी जो भी हमारी लोअर लेवल की आस्थाएं हैं अपेक्षाएं हैं अटैचमेंट्स हैं उनसे ऊपर उठें ताकि हम उस कॉन्शियसनेस को जिसके साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके संदेश को उसकी पावर को उसकी आस्था को अपने मन में जगा सकें फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस फ्रॉम अटैचमेंट टू डिटैचमेंट और डिटैचमेंट क्या है डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप को यह अपना घर परिवार छोड़कर या सोशल स्ट्रक्चर से बाहर जाकर किसी आश्रम में रहना है या किसी फॉरेस्ट में रहना है दैट इज नॉट रियल डिटैचमेंट दैट कैन बी यू कैन बी डिटैच एट द फिजिकल लेवल बट वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द डिटैचमेंट विच मीन्स अनटच्ड बाय द सिचुएशंस एंड द वाइब्रेश ऑफ पीपल जभी भी आप किसी के साथ इंटरैक्ट करें गिव अ पॉज ऑफ वन मिनट एंड से आई एम प्योर पोटेंशियल ऑफ डिवाइन एसेंस और आप देखेंगे कि एक आपके कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आता है क्योंकि सब अपने बिलीफ सिस्टम से ऑपरेट करते हैं सब अपनी लर्निंग से ऑपरेट करते हैं सब अपनी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करते हैं जैसा आप सोचते हैं जो आपके लिए सही है जिस लेवल पर आप हैं हो सकता है उनमें और आप में डिफरेंस हो और इसी डिफरेंस को किस तरह से रिस्पेक्टफुली ऑनर करना है अन रहना है और अपने मार्ग पर ऊपर बढ़ते रहना है दैट इज रियल डिटैचमेंट हमें सिर्फ और सिर्फ उन चीजों की तरफ ध्यान देना है उन कर्तव्यों की तरफ ध्यान देना है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ वी थिंक वॉट वी डू हाउ वी रिएक्ट वी कैन नेवर बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ अदर्स रिएक्शंस एंड एक्शंस लेकिन जब हम उन चीजों में फंसते हैं तो हम अटैचमेंट्स में जाते हैं और जो ये हमारा डिविनिटी है जो ये हमारा प्योर एसेंस है जो हमारी शक्ति है हर बार जितनी बार हम डिटैचमेंट की एनर्जी में जाएंगे वी लूज दैट पावर इन आस सो आज का दिन आपने जो भी रिचुअल्स करने हैं जैसी जो भी ऑफरिंग्स करनी है जो भी फास्टिंग करनी है जो भी डांसिंग करनी है जैस जस्ट परफेक्ट बट डू विथ द डिटैचमेंट प्रैक्टिस दिस द होल डे टू डे और ये डिटैचमेंट विल टर्न इनटू योर अनकंडीशनल लव ये डिटैचमेंट आपको दूसरों के साथ ही प्रैक्टिस नहीं करना है अपने साथ भी प्रैक्टिस करना है कैसे वी आर नॉट परफेक्ट बीइंग येट जब तक हम इस ह्यूमन बॉडी में हैं जो फाइव सेंसेस के साथ ऑपरेट होती है वहां कुछ ना कुछ ऐसा है जो शेडोज में है हमें उससे भी डिटैच होना है कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत लाइट में है हमें उसके साथ भी डिटैच होना है हमें अनइफेक्टेड स्टेट में आना है और हर चीज़ को एक हायर प्रस्पेक्टिव से देखना है और जैसे जैसे हम इस एनर्जी के साथ इस डिटैचमेंट के साथ इस अनकंडीशनल लव के साथ आगे बढ़ेंगे विल स्टार्ट कमिंग इन आर ओन पावर जहां से हम अपनी गॉडेस के साथ वेरी वेरी ईजीली कन्वीनियंटली एंड परफेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे हमें अपने अंदर की शक्ति का आह्वान करना है पार्वती हु इज रेडी टू चेंज शी वॉज द डॉटर ऑफ किंग शी वॉज नेवर अटैच टू द ऑल ऑफ द वेल्थ अराउंड अटैचमेंट हमें यह सिखाता है कि जो भी हमारी सिचुएशंस हैं जो भी यू नो पीपल हैं जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं दे आर ऑल सेक्रेट दे आर ऑल कंप्लीट हमें उनके अंदर कुछ चेंज नहीं करना है हमें उनके साथ कैसे कनेक्ट करना है हमें वो चेंज करना है इस डिटैचमेंट से वी कैन नर्चर आर सोल वी कैन नर्चर आर एवरी रिलेशनशिप वी कैन नर्चर एवरी सिचुएशन वी आर इन बिकॉज वी बिकम अनकंडीशनल लव द रियल पावर ऑफ गॉड सो विश यू ऑल वेरी वेरी गुड थोड़ी सी थिन लाइन जो कई बार जब हम फास्टिंग करते हैं ये फास्टिंग एक्चुअली अगर हम देखें तो हम इसलिए ये रिचुअल किया जाता है ताकि हमारी बॉडी लाइट रह सके हम ईजिली मेडिटेट कर सकें हम अपनी शक्तियों के साथ कनेक्ट कर सकें हम अपनी प्रेयर्स के साथ ईजीली कनेक्ट कर सकें एंड इट इज़ अ सीजनल चेंज ऑल्सो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि जो हमारे फूड ग्रीन्स हैं या जो वेजिटेबल्स हैं या जो भी हैं इट्स नाउ सडनली इट्स चेंजिंग फ्रॉम समर टू विंटर सो वी आर मेकिंग आर बॉडी वी आर प्रिपेयरिंग आर बॉडी टू गो

And never forget, we, sell, we are celebrating these days to connect to our own soul power, to our divinity, and the real, real offering of Mother Goddess. Ki, wish you all very, very, very happy Navratri.